आँख में कोई रोग हो, नेत्र बिंदु कोई अच्छे आँख में डालते हैं, ज्यों ज्यों त्यों त्यों आँख का रोग, या यूँ कहो कि रोशनी कमज़ोर है, वो तकलीफ़ दूर होती जाती है। उसी प्रकार ज्यों ज्यों सत्संग सुनते हैं त्यों त्यों अंतःकरण की शुद्धि होती जाती है, उसके रोग मिटते जाते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। संसार में लोग दुखी क्यों हैं? सब सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता, फिर भी दुखी क्यों है, क्या कारण है? उसके कुछ कारण हैं, इस कारण लोग दुखी रहते हैं। पहला, नियति का दुख है। इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म हुए हैं जो अभी दुख के रूप में परेशान करते हैं। तो ये जो नियति का दुख है, इसको भी भगवान के नाम जप के द्वारा, दृढ़ भक्ति के द्वारा मिटाया जा सकता है। जैसे कोई रोग हुआ है तो औषधि के द्वारा मिटाया जा सकता है, कुशल वैद्य हो उनके मार्गदर्शन में। जैसे शरीर का रोग मिटता है, उसी प्रकार सदगुरु की देखरेख में और सत्संग में ये जो अंतरंग रोग है ये मिटते जाते हैं। और कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। नियति का दुख, प्रारब्ध जो दुखद था वो सुखद बनाया जा सकता है। वर्तमान में सावधान होकर, करने में स्वाधीन तू होने में आधीन, पहले में चौकस रहो दूजे में शालीन। कुछ भी करने में आदमी स्वाधीन है, पर फिर जो फल आएगा उसमें कोई स्वाधीन नहीं है, उसमें सब बंद गए। संत ने, तीन लोग, तीनों चोर थे, लुटेरे थे, संत ने कहा इधर जंगल की तरफ मत जाना, उधर एक चुड़ैल रहती है, तीनों को मार के खा जाएगी, सावधान। चोरों ने कहा बाबा बेकार में हमको डरा रहा है, ये इनकी बातों में आना, चलो गए। गए तो आगे गड़ा हुआ खजाना मिला। तीनों ने कहा देखा बाबा हमको ऐसे ही उल्लू बना रहे थे, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, देख खजाना पड़ा है इधर। ये महात्मा की नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अपने को डरा रहे थे कि चुड़ैल बैठी है मार के खा जाएगी। कहाँ है चुड़ैल? ये तो इतना सारा खजाना है कि हमको जिंदगी भर किसी से भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, मजे से खाओ पियो ऐश करो। जो ज्यादा ऐश करते हैं ना वो फिर ऐश हो जाते। तो राख, और राख डालने की डब्बी नहीं होती, ऐश ट्रे, सिगरेट की राख डालते हैं, तो ज्यादा संसार की ऐश करते ना फिर ऐश हो जाते हैं जल्दी। ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख यो नय एवते, बहुवचन भगवान ने गीता में कहा, जो संसार का सुख भोगते हैं उनको बहुत सारे दुख मिलते हैं। आप देखो दुर्योधन ने बहुत सुख और आराम भोगा तो परिणाम क्या आया, और पांडवों ने थोड़े समय के लिए कष्ट भोगा, उन्होंने दुख देखा, 12 साल तक वनवास, 13वां साल अज्ञातवास, ये दुख देखा इन्होंने। दास दासियां बन के रहना पड़ा 1 साल विराट के महल में। पर भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान का सुमरण नहीं छोड़ा, जप नहीं छोड़ा। मेरी प्रार्थना है किसी के जीवन में न करे नारायण कोई दुख आए, पर अगर आ जाए तो भक्ति मत छोड़ना, जप मत छोड़ना।
ये मत सोचना कि ये दुख मिट जाए फिर हम जप करेंगे, या हमारे जीवन में दुख क्यों आया, हमने इतना जप किया, हमने इतना पाठ किया, हम इतना सत्संग सुनते थे, हम इतना सेवा करते थे, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों आया। तो आप देखो ना, भीष्म पितामह की सेवा कम थी, भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य कैसा, भीष्म पितामह की परोपकार की और सेवा की भावना कैसी, फिर भी भीष्म जी को इतने तीर लगे कि शरीर में मानो कोई जगह नहीं बची जहां तीर ना लगा, इतने तीर लगे। फिर भी तीर इतने लगने के बावजूद भी वो पीड़ा को याद नहीं कर रहे थे, मेरे को बड़ा कष्ट है बड़ा कष्ट है, भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते थे, देह का भान नहीं था। और आप और मैं, हम लोग इतने डरपोक हैं कि जरा सा कष्ट है तो बहुत घबरा जाते, मर गए, बस में सीट बैठने को नहीं मिली बोलते मर गए, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिली मर गए, खाना बढ़िया नहीं मिला या सब्जी तीखी आई मर गए, दाल में पानी ज्यादा था बोले मर गए। कितनी बार मरते रहते हैं बोलो, फिर भी अभी तक जिंदा है। एक आदमी मेरे को बोले मैं बहुत दुखी हूं, सोच रहा हूं कि अब मर जाऊं। तो मैंने कहा तुमको लगता है मरकर सुखी हो जाओगे? बोले ऐसा लगता तो है। मैंने कहा मरने के बाद सुखी होने की सोचते हो, अभी से सुखी होने की क्यों नहीं सोचते हो? मरोगे तो सुखी हो जाओगे, अभी क्या आफत आ रही है? अभी दुख है कष्ट है तो जरा हिम्मत रखो, नियति का दुख है, पूर्व जन्मों के प्रभाव से या इस जन्म के कुछ ऐसे हैं उसके प्रभाव से आया है, तो थोड़ी हिम्मत रख। एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा था मुंबई में, तो एक परिचित ने कहा कि श्री आशारामायण के पाठ करो, एक बार पाठ कर फिर मर जाना। तो उसने एक बार पाठ किया तो आखिरी में पढ़ा 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। सोचा कि एक बार 108 करके देखता हूं फिर आके मर जाऊंगा। घर लौट के आया, 108 पाठ किए तो सब ठीक होता गया, धीरे धीरे कामकाज सही हो गया, दीक्षा ले ली, कर्जा उतर गया और अभी ठीक है। तो मरने जा रहा, बोलते रहते लोग कि जीवन बेकार है, जीवन बेकार है, कई लोग सब नहीं, जीवन बेकार है, जीवन बेकार है ही नहीं, जीवन जीने का ढंग बेकार हो सकता है, जीवन बेकार नहीं हो सकता। सत्संग के द्वारा, गुरु के द्वारा, भक्ति के द्वारा जीवन जीना नहीं सीखा तो हो सकता है लगे कि जीवन बेकार है, ढंग बेकार है। सदा असो माझे अंतरी वस्ती अखंड प्रेम प्रीति गुरु रूपी, गुरु रूपी मजा अत्यंतिक सुख अवलोकी मुख सर्वकाड़, सर्वकाड़ मुखी सदगुरुंचे नाम आणिक ते काम नाही मज, नाही मज प्रिय सदगुरु वांचुनी दृढ़ निश्चय मनी केला असे प्राण सखा सदगुरु राजा मन त्यासी पूजा सदा करी। सदा कर पूजा, मन कर पूजा गुरु चरणन की, गुरु वचनन की, गुरु चरणन में ऐसा क्या है, वैकुंठ द्वार यही खुलता है, ये व्रज भूमि वृंदावन की। गुरु गुरु जप अज्ञान नाशक भव सिंधु तारक गुरु नाम, गुरु नाम सम आणिक नाही मंत्र सांगताती शास्त्रे महानुभव एका जनार्दनी गुरुपदी मस्तक ठेवुनी सम्यक ब्रह्म जाना। गुरु चरणन में ऐसा क्या है, गुरु चरणन में ऐसा क्या है, वैकुंठ द्वार यही खुलता है, ब्रज भूमि वृंदावन की, ब्रज भूमि वृंदावन की, मन कर पूजा कर पूजा, कर पूजा कर पूजा।
बस गुरु वचनन को मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हर हुनाथ मम संकट भारी न कोई तेरे न कोई चाहे ब्रह्मा शंकर होई चाहे ब्रह्मा शंकर होई ये वाणी शिव शंकर जी की मन कर पूजा कर पूजा सकते हैं दिखा सकते हैं घट में ज्योत जगा सकते हैं घट में ज्योत जगा सकते हैं गुरुवर है खान रतन धन की मन कर पूजा कर पूजा कर पूजा कर पूजा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला
कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि विठो बारख माई विठो बारख माई माई